आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी से निरूपित करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है और इससे रिलेटेड प्रश्न जो है बोर्ड क्लास के अंदर भी 3 नंबर का प्रश्न और हमारी 10th की बुक्स के अंदर 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद पिछली पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्याओं की श्रेणी या संख्याओं का जो अनुक्रम प्राप्त होता है उन संख्याओं की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ एक श्रेणी लिखता हूँ, संख्याओं का अनुक्रम लिखता हूँ 6, 9, 12, 15, इसी प्रकार ये आगे चलता जाए। या एक और जैसे मैं लिखता हूँ -7, -9, -11, -13 और इसी प्रकार ये आगे चलता जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि इन संख्याओं के अनुक्रम के अंदर या इन संख्याओं की सूची, इन संख्याओं की सीक्वेंस को हम देखें तो हम देखेंगे कि पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपनी पहले वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्रत्येक पद प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि इसका पहला पद 6 है और 6 के अंदर हम 3 जोड़ें तो अगला पद 9, 9 में 3 जोड़ेंगे अगला पद 12, 12 में 3 जोड़ेंगे अगला पद 15, यानी प्रत्येक पद अपनी पिछले वाली संख्या से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ हम जो निश्चित संख्या है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे दूसरी एक संख्याओं की अनुक्रम लिखा हुआ है उसमें हम देखें कि -7, -9, -11, -13 इसी प्रकार आगे अनंत की संख्या इसी प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि -7 के बाद में इसके अंदर जो है -2 जोड़ें तो अगला पद आ गया -9, उसके बाद -2 जोड़ें तो -11, उसके बाद पुनः इस -11 में इससे पहले वाले पद में -2 जोड़ें तो अगला पद आ गया -13। यानी कि हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपनी पिछली पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है और इस तरह की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और इस समांतर श्रेणी के अंदर दो क्रमागत पदों का अंतर, इस समांतर श्रेणी के अंदर जो एक निश्चित संख्या हम जोड़ रहे हैं उस निश्चित संख्या यानी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो को हम सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर इसमें सभी दो क्रमागत पदों के अंदर जो है अंतर समान रहेगा, एक निश्चित संख्या जो हम जोड़ रहे हैं वो सार्व अंतर जो हम कहते हैं। तो इन सभी संख्याओं के अंदर यदि हम एक निश्चित संख्या जो जोड़ रहे हैं जिन्हें हम सार्व अंतर कहते हैं वो सभी पदों के दो क्रमागत पदों में यदि अंतर निकालेंगे तो वो अंतर सभी में समान रहेगा और इस प्रकार की संख्याओं के अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसी समांतर श्रेणी के अंदर हम देखेंगे कि इस प्रत्येक संख्या को हम एक पद कहते हैं। जैसे इसका 6 जो है ये समांतर श्रेणी का पहला पद, 9 इसका दूसरा पद, 12 इसका तीसरा पद, 15 इसका चौथा पद, इसी प्रकार आगे 5वां, 6ठा, 7वां और भी अनंत तक जो है n कोई पद है तो उस पद तक हम इसका मान इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस समांतर श्रेणी की दूसरी एक और जो संख्याओं का अनुक्रम लिखा हुआ है -7, -9, -11, -13 इसी प्रकार संख्याएं आगे चल रही। तो यहां पर भी हम देखेंगे इसका पहला पद जो एक है उस पहले पद को छोड़कर अगला प्रत्येक पद अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित मान जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ इन सभी जो संख्याएं लिखी हुई इन सभी में दो क्रमागत पदों का अंतर -2 है तो हम देखेंगे -7 में -2 जोड़े -9, -9 में -2 जोड़े -11, -11 में -2 जोड़े -13। तो इस प्रकार -2 हम जोड़ते जाएंगे पिछले पद में तो हमारे को प्रत्येक पद अगला पद प्राप्त होता जाएगा। तो समांतर श्रेणी उसी को कहते हैं जिसके अंदर दो क्रमागत पदों के अंदर अंतर जो है वो समान होता है। जैसे अब ये जो समांतर श्रेणी है इस समांतर श्रेणी के इस पहले पद को हम ए
या A1 से निरूपित करते हैं। पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से निरूपित करते हैं, तीसरे पद को A3 से निरूपित करें, चौथे पद को A4 से निरूपित करें और इसी प्रकार इसके आगे के पदों को भी निरूपित करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, पहले पद को A या A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथे पद को A4 से निरूपित करते हैं। यहां हम देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है, तो यहां हम देखेंगे कि इस समांतर श्रेणी से सार्व अंतर, जो एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, वो कैसे निकालते हैं। वो निकालने के लिए हम पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना, यानी कि इस पहले पद को हम सार्व अंतर जिसको हम D से निरूपित करते हैं, उस सार्व अंतर को निकालने के लिए हम दो क्रमागत पदों का अंतर जिसको हम कह सकते हैं पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना, यानी पीछे वाला पद A2 माइनस A1, क्योंकि इन सभी के अंदर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो है पारे को प्रत्येक पद प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी दो क्रमागत पदों का अंतर समान होगा, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां से हम देखेंगे कि A2 माइनस A1, यानी पीछे वाले में से आगे वाला पद घटाएं तो इसके अंदर जो इसका अंतर आएगा वो सार्व अंतर, और सभी पदों के अंदर ये सार्व अंतर समान आएगा। जैसे यहां A2 माइनस A1 के बाद में यदि हम A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी कि पीछे वाले पद में से आगे वाले पद का अंतर निकाल के दो क्रमागत पदों का अंतर जिसको हम सार्व अंतर D से निरूपित करते हैं, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाला। अब जो भी समांतर श्रेणी होगी उस समांतर श्रेणी के अंदर इन सभी पदों का जो सार्व अंतर होगा वो समान होगा कि A2 में से A1 घटाएं, A3 में से A2 घटाएं, A4 में से A3 घटाएं, तो ये सभी सार्व अंतर जो है समांतर श्रेणी के अंदर सभी में समान आता है। और यदि कोई संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है जिसमें हम यदि उनके दो क्रमागत पदों का अंतर निकालें और A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 का मान यदि समान नहीं आता है तो हम कहेंगे वह समांतर श्रेणी, वो संख्याओं का अनुक्रम, वो संख्याओं की सीक्वेंस जो है वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें जो भी श्रेणी दे रखी हो समांतर श्रेणी, उस समांतर श्रेणी को पहला पद जो होता है उस पहले पद को हम प्रथम पद से निरूपित करते हैं। प्रथम पद जिसको हम A या A1 कह सकते हैं, प्रथम पद A या A1, दूसरे पद को हम A2, तीसरे पद को A3, चौथे फोर को A4। उसके बाद में हमें समांतर श्रेणी है, जहां भी समांतर श्रेणी शब्द आएगा वहां पर सभी जो इस संख्याएं हैं समांतर श्रेणी की, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, इन सभी पदों के अंदर अंतर जो है वो समान होगा, एक निश्चित संख्या होगी। तो वो संख्या कौन सी होगी, वो सार्व अंतर निकालने के लिए हम सार्व अंतर D का मान A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो इस प्रकार जो है हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और सभी सार्व अंतर जो आएगा सभी पदों के मध्य अंतर वो सभी में समान होगा, और वो श्रेणी जो होगी उस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हम समांतर श्रेणी जो है वो किस प्रकार की होती है, उसका व्यापक रूप कैसा होगा, उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं, सार्व अंतर वो हम देखें, तो हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जैसे यहां पर एक समांतर श्रेणी लिखी हुई है, इस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम देखें तो इसकी जो पहला पद होता है जिसको हम A से निरूपित करते हैं, पहले पद को A से, दूसरा पद जो होता है वो इसके अंदर पहले पद के अंदर एक निश्चित संख्या जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं वो जोड़ने पर इसका पिछला पद प्राप्त होता है, तो इसका दूसरा पद जो हो जाएगा A+D। तीसरा पद हम देखें तो इस दूसरे पद के अंदर पिछले वाला पद जो है इसके अंदर D जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा, तो A+D है, इसके अंदर एक निश्चित संख्या जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं D जोड़ेंगे तो इसका अगला पद A+2D, A+3D, इस A+2D में D जोड़ेंगे अगला पद आ जाएगा A+
3d, इसी प्रकार इसका अंतिम पद जो होगा उसको हम a प्लस एन माइनस वन डी लिखें। अब इस समांतर श्रेणी का ये व्यापक रूप है कि समांतर श्रेणी में पहला पद होता है उसमें एक निश्चित संख्या जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं वो जोड़ने पर उसका अगला पद प्रत्येक पद प्राप्त होता है। तो a के अंदर सार्व अंतर d जोड़ेंगे दूसरा पद, इस दूसरे पद के अंदर a प्लस डी में d जोड़ेंगे तो d और d जुड़ के a प्लस टू डी हो जाएंगे, और इसका तीसरा पद a प्लस टू डी में d जोड़ेंगे तो a प्लस थ्री डी इसका चौथा पद, और इसी प्रकार इसके बाकी पद भी ज्ञात किए जा सकते हैं। यहां हम देखें कि इस समांतर श्रेणी के पहले पद को हम a1, दूसरे पद को हम a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, और इसी प्रकार इसका जो अंतिम पद है जो हम nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो उसको हम an से निरूपित करते हैं। यानी समांतर श्रेणी का जो पहला पद जैसे a1 है, यहाँ पहले पद को a1 से, तो यहाँ इस समांतर श्रेणी में हम देखें कि a1 का मान 6 होगा। अब a1 के बाद में a2 का मतलब सार्व अंतर एक निश्चित संख्या, जैसे इसमें हम 3 जोड़ रहे हैं तो 6 के अंदर 3 जोड़े a प्लस डी तो हमारे को a2 प्राप्त हो गया। फिर इस दूसरा पद जो a2 है a प्लस डी उसके अंदर d जोड़े तो तीसरा पद a3, तो 9 के अंदर 3 जोड़ा तो तीसरा पद 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर a प्लस 2d का मान a3 का मान 12, इसके अंदर d जोड़े तो 12 के अंदर 3 जोड़ा 15। तो इसी प्रकार जो है समांतर श्रेणी के अंदर हम देखते हैं कि पहला पद उसके अंदर सार्व अंतर एक निश्चित संख्या जो हम जोड़ रहे हैं a प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये जो क्रम है ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। समांतर श्रेणी इस रूप में होती है, एक निश्चित मान जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, पिछले पद में निश्चित मान जोड़ने पर जो d, वो इस प्रकार प्रत्येक पद में जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। इस पदों को हम पहले पद को a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे पद को a4, और इसी प्रकार अंतिम पद या हम nवा पद को an से निरूपित कर सकते हैं, या इसका अगला पद कोई an माइनस वन वा पद ज्ञात कर रहे हो तो अंतिम पद होगा वो an माइनस वन। इसी प्रकार हम देखें कि इस समांतर श्रेणी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी प्रकार कोई भी पद ज्ञात करना हो, पांचवा, दसवा, बीसवा, पचासवा, तो हमारे पास में एक समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद है, पहले पद को हम a1 से, दूसरे को a2 से, तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए हम एनवे पद को an से निरूपित करें तो इसका एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन और d। यहां पर आप देखेंगे ये एनवे पद का मान, a समांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, प्रथम पद, n पदों की संख्या जो हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे हमें 20वां पद चाहिए तो n का मान 20, और d जो है वो सार्व अंतर को हम d से निरूपित करते हैं, और सार्व अंतर d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना, यानी हम कह सकते हैं a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, अगर कोई समांतर श्रेणी है तो उसमें से किसी भी पीछे वाले पद में से आगे वाला यानी कि ज्ञात करके, और हम सार्व अंतर d का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि उन सभी दो क्रमागत पदों का अंतर समांतर श्रेणी के अंदर समान होता है। यहां हम देखेंगे कि इस समांतर श्रेणी के एनवे पद का जो वो सूत्र यहीं से आया कि a प्लस टू डी, ए थ्री का मान a प्लस टू डी, यानी कि यहां पर a थ्री या तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पर 3 - 1 - 2d यानी एक कम आया। तो उसी प्रकार एनवे पद के लिए a पहला पद प्लस n माइनस वन, n में से एक कम, और d सार्व अंतर। इस एनवे पद के सूत्र से हम देखें कि यदि हमें समांतर श्रेणी का पहला पद ज्ञात करना है तो पहला पद n का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 - 0, तो 0 का d से गुणा 0, यानी पहला पद a1, पहला पद a होगा ये a। उसके बाद में दूसरा पद a2 ज्ञात करना है, a2 दूसरा पद ज्ञात करना हो तो n का मान 2 हो जाएगा, तो a2 बराबर a प्लस एन की जगह 2 - 1, 2 में से 1 गया 1 और d का d, तो 2 में से 1 गया 1,
ए प्लस बी ए प्लस बी। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस एन की जगह तीन, तीन माइनस एक, तीन में से एक गई दो, डी तो ए प्लस टू डी। इसी प्रकार तीसरा, और मान लो पचासवां पद ज्ञात करना हो तो ए पचास बराबर ए प्लस एन की जगह पचास, पचास में से एक गए उनपचास डी, तो ए पचास का मान होगा ए प्लस उनपचास डी। तो मैं यहाँ यूं भी कह सकता हूँ कि ए पच्चीस का मान कितना होगा, ए प्लस पच्चीस में से एक गए चौबीस डी, ए तीस का मान कितना होगा, ए प्लस उनतीस डी। यानी यहाँ से हम देखें कि यदि हमें ए और डी का मान पता हो तो हम इस समांतर श्रेणी का जो भी पद पूछा है, पहला दूसरा बीसवा पच्चीसवा, वो पद आसानी से याद कर सकते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखें कि जैसे ए पाँच, ए पाँच यानी पाँचवें पद का मान होगा वो ए प्लस फोर डी, पाँच में से एक गए चार डी, ए दस तो ए दस का मान होगा ए प्लस नौ डी। तो हमें सबसे पहले हमारा जो समांतर श्रेणी की हमें बेसिक जो है कि समांतर श्रेणी हमें दी हुई हो तो उस समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है, समांतर श्रेणी में जो पहला पद लिखा हुआ होगा उसको प्रथम पद ए से निरूपित करते हैं। सार्वअंतर डी निकालना हो तो ए टू माइनस ए वन यानी ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री यानी पीछे वाले में से आगे वाला पद घटा के और हम सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करना हो या हमें ए और डी का मान दिया हुआ हो तो हम उसके समांतर श्रेणी के सभी पद ज्ञात कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो हमें पूछा हो, या कोई संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है वह समांतर श्रेणी है या नहीं वो भी हम जांच कर सकते हैं। अब यहां से हम देखें कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ए वन बराबर ए ही है, लेकिन दूसरा पद ए टू जो है, ए टू दूसरा पद जो होता है वो पहले पद में सार्वअंतर डी जोड़ने से तो ए प्लस डी, या पहला पद जो है उसके अंदर ए प्लस डी। अब तीसरा पद हम देखें कि इस दूसरे पद के अंदर डी जोड़ें तो ए प्लस डी के अंदर डी जोड़ें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ए प्लस टू डी, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं तीसरे पद को कि दूसरा पद जो है ए टू इसके अंदर डी जोड़ें, डी जोड़ने पर तीसरा पद आ सकता है। तो हमें ए और डी के मान दिए हुए हो तो हम उसको ए प्लस टू डी या दूसरे पद के अंदर डी जोड़ के और ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम समांतर श्रेणी के एनवे पद के बाद में समांतर श्रेणी के एन पदों का योग और भी कुछ समांतर श्रेणी से रिलेटेड सूत्र है वो अगली अभी इसी एनवे पद पे सूत्र पे आधारित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे जैसे सबसे पहला प्रश्न हमसे यही पूछे कि एक ऐसी श्रेणी दे रखी हो जैसे 6, 9, 12, 15, यह एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में 6, 9, 12, 15 इस प्रकार की समांतर श्रेणी है और हमसे पूछे कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इस समांतर श्रेणी के अंदर इसका जो पहला पद है उसको A1 से निरूपित करते हैं, दूसरा पद है उसको A2 से निरूपित करते हैं, तीसरा पद है उसको A3 से निरूपित करते हैं, चौथा पद है उसको A4 से, और पांचवा पद है उसको A5, A6 इस प्रकार जो हमें पूछा है जितना दिया हुआ है उस हिसाब से लिख सकते हैं। A1 का मान 6, A2 9, A3 12। अब इस समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले पद लिखा होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और उसका मान हो जाएगा प्रथम पद को ए या ए वन से निरूपित करते हैं जिसका मान 6। लेकिन हमें सार्वअंतर डी ज्ञात करना हो तो सार्वअंतर डी का मान ए टू माइनस ए वन, क्योंकि यह समांतर श्रेणी में पीछे वाले पद में से आगे वाला पद यानी ए टू माइनस ए वन, इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, तो सार्वअंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तो ए टू का मान 9 माइनस ए वन का मान 6 और 9 में से 6 गए 3, यानी कि सार्वअंतर हमारे पास में आ जाएगा 3। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद और सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए हम समांतर श्रेणी के अंदर
पहला पद जो होगा उसको प्रथम पद ए से निरूपित करेंगे, सार्व अंतर डी निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन। इसी प्रकार की मैं एक और समांतर श्रेणी यहां लिखता हूं, जैसे तीन माइनस दो माइनस सात माइनस बारह, ये जैसे तीन माइनस दो माइनस सात माइनस बारह यह एक समांतर श्रेणी है और हमसे प्रश्न एक नंबर का पूछ लिया कि दी गई समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद तीन जो है सबसे पहले लिखा वो इस समांतर श्रेणी का होगा प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर तीन। उसके बाद में हमें सार्व अंतर ज्ञात करना है, तो पहले पद को हम ए वन से, दूसरे को ए टू से, तीसरे को ए थ्री से, चौथे को ए फोर से निरूपित करते हैं। और सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हम सार्व अंतर डी का मान ए टू माइनस ए वन, तो यहां से हम देखेंगे कि ए टू यानी ये ए वन पहला पद, ये ए टू दूसरा पद, ए टू का मान माइनस दो है, ए टू का मान माइनस दो, ये इसका माइनस, और फिर ए वन का मान तीन है, तो हम यहां लिख लेंगे तीन। तो हम देखेंगे माइनस दो और माइनस तीन माइनस के पांच, तो सार्व अंतर जो आ जाएगा इस समांतर श्रेणी के अंदर माइनस पांच, यानी कि तीन, तीन के अंदर सार्व अंतर डी जोड़ेंगे तो तीन माइनस पांच माइनस के दो आ जाएगा, माइनस दो में माइनस पांच जोड़ेंगे माइनस सात में माइनस पांच जोड़ेंगे माइनस बारह। इस प्रकार सभी के अंदर दो क्रमागत पदों में अंतर समान है, एक समांतर श्रेणी, तो किसी भी समांतर श्रेणी में दी भी हो तो हमें उस प्रश्न के अंदर पहले तो एक नंबर का प्रश्न यही बनता है कि प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, या हमें जो भी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना या इन पदों के योग के अंदर, तो हमें सबसे पहले उसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना आना चाहिए। और किस प्रकार करते हैं, ये समांतर श्रेणी का पहला पद सार्व अंतर हो जाएगा ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू। इसी प्रकार यदि हमें इससे भी आगे एक और प्रश्न लें हम दूसरा, कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी का मान एक बटा दो दिया है, उस यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए बराबर माइनस एक और डी बराबर एक बटा दो दिया हो, तो उस श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए हमें पहला पद और सार्व अंतर दिया हुआ हो, तो उस समांतर श्रेणी के हम प्रथम चार पद या जो भी पद हमसे पूछा है वो ए और डी का मान यदि हमें दिया हुआ हो, ए और डी का मान, तो हम उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रथम चार पद पूछा है, तो ध्यान दें कि हल समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है, प्रथम पद जो है वो हमें दे रखा है ए बराबर माइनस एक, तो हम लिखेंगे प्रथम पद ए वन या ए कहें वो हमें दे रखा है माइनस एक। उसके बाद में इसका द्वितीय पद जो होगा, दूसरा पद जिसको हम ए टू से निरूपित करते हैं, वो पहले पद में सार्व अंतर डी जोड़ने से प्राप्त होता है, तो ए प्लस डी।
ए प्लस डी, तो यहां हम देखेंगे कि ए का मान हमारा माइनस एक है प्लस डी का मान हमारा एक बटा दो है। तो यहां से हम देखेंगे कि माइनस एक प्लस एक बटा दो को यदि मैं हल करूं तो इस प्रकार कर सकता हूं कि एक के बटे में एक लिख लूं तो इसका लसब आ जाएगा दो, एक का दो में दो बार, दो का माइनस एक से करेंगे माइनस दो, प्लस दो का दो में एक बार, एक का एक से एक, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस दो और प्लस का एक, तो माइनस का एक बटे दो। यानी कि इस दूसरा पद जो है वो पहले पद में सार्व अंतर डी जोड़ने से हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। अब इस ए टू जो दूसरा पद है माइनस एक बटे दो, इसके अंदर भी मैं यदि ए दूसरे पद में डी जोड़ूंगा तो तीसरा पद, तीसरे पद में डी जोड़ू तो चौथा पद, या तो ऐसे निकालू या हमें पहले ही पता है कि पहला पद ए, उसके अंदर डी जोड़ने पर अगला पद ए प्लस डी, तीसरा पद जो होगा वो ए प्लस टू डी, तो मैं यहां लिखूं कि ए थ्री तीसरा पद ए प्लस टू डी। तो एक तो ये तरीका है कि ए थ्री का मान निकालना है, तो हमें अभी अभी सीखा एनवे पद के सूत्र से ए थ्री बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, एन की जगह तीन रखेंगे तो ए थ्री का मान ए प्लस टू डी, ए फोर निकालेंगे तो ए फोर का मान ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। तो यहां से हम देखें कि ए, ए का मान हमें दे रखा है माइनस एक प्लस टू, डी का मान एक बट्टा दो, यहां से दो कट जाएगा, माइनस का एक और प्लस का एक, माइनस का एक और प्लस का एक होगा जीरो। तो पहला दूसरा तीसरा, अब यहां पे ए थ्री का मान मैं इस प्रकार भी ज्ञात कर सकता था कि ए थ्री बराबर ए टू, यानी दूसरा पद जो है ए प्लस डी, इस ए प्लस डी में डी जोड़ने पर ए प्लस टू डी आएगा तो ए टू प्लस डी। तो यहां से मैं देखो ए टू का मान हमने निकाल लिया माइनस के एक बट्टा दो और डी का मान है एक बट्टा दो, तो माइनस एक बट्टा दो और प्लस एक बट्टा दो जीरो। तो या ए प्लस टू डी लिख के निकालो या दूसरे पद के अंदर डी जोड़ के निकालो, कैसे भी हम निकाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। एक ही अब चौथा पद निकालें, तो चौथा पद निकालने के लिए या ए थ्री के अंदर डी जोड़ू या चौथे पद को मैं यूं भी लिख सकता हूं ए प्लस थ्री डी। तो ए का मान माइनस एक प्लस तीन, डी का मान एक बटा दो। तो यहां से हम देखेंगे कि माइनस एक प्लस तीन बटे दो, तो एक के बटे में एक लिख लें तो इसका लसब आ जाएगा दो, एक का दो में दो बार, दो का ऐसे माइनस दो प्लस तीन बराबर माइनस एक बटे दो, तीन में से दो गए एक, एक बटा दो। तो इस प्रकार हमने ए और डी का मान दिया हुआ हो तो समांतर श्रेणी से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और इससे जो हमारी समांतर श्रेणी एपी बनेगी उसका पहला पद हम देखेंगे हमें दिया हुआ है माइनस एक कॉमा, दूसरा पद माइनस के एक बटा दो कॉमा, तीसरा पद हमारा हो जाएगा जीरो, चौथा पद हो जाएगा एक बटा दो और माइनस एक बटा दो जीरो और एक बटा दो, और इसी प्रकार हमें चार पद इस समांतर श्रेणी के ज्ञात कर लिए। तो हमें पहला पद और सार्व अंतर दिया हुआ हो तो हम इसका कोई भी पद जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस एनवे पद के सूत्र से या इसकी सहायता से। और उसके बाद हम देखें कि इसी प्रकार हम देखें कि हमें कोई संख्याओं का एक अनुक्रम दिया हुआ है और हमसे पूछे कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे दो, पाँच बटे दो, तीन और सात बटे दो, ऐसे ये संख्याओं का एक अनुक्रम दिया हुआ है और हमसे पूछा कि क्या ये संख्याओं की जो श्रेणी दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, जांच कीजिए। इसी प्रकार जैसे मैं और भी एक संख्याओं की अनुक्रम लिख रहा हूँ, अंडर रूट तीन, अंडर रूट छः, अंडर रूट नौ, अंडर रूट बारह, इसी प्रकार। तीसरा एक और
अंडर रूट दो, अंडर रूट आठ, अंडर रूट अट्ठारह, अंडर रूट बत्तीस, अंडर रूट दो, अंडर रूट आठ, अंडर रूट अट्ठारह, अंडर रूट बत्तीस। तो यहाँ मैंने संख्याओं की जो है संख्याओं की अनुक्रम, एक संख्याओं की सीक्वेंस लिखी हुई है और हमसे पूछा है कि क्या यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने पढ़ रखा है कि कोई भी संख्याओं की जो श्रेणी है, सीक्वेंस है, ये एक समांतर श्रेणी होती है यदि दो क्रमागत पदों का अंतर, यानी कि एक निश्चित संख्या जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, सभी क्रमागत पदों में सार्व अंतर समान हो तो हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी है, और यदि सार्व अंतर समान नहीं हो तो हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो उसकी जांच के लिए हम देखें कि हम इस समांतर श्रेणी के, हाँ, तो हमसे ये पूछा है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद जो होता है, ये जो श्रेणी है इसके पहले पद को दो से, दूसरे पद को पाँच बटे दो, तीसरा पद इसका तीन, चौथा पद सात बटे दो। यहाँ से हम देखें कि हम इसके क्रमागत पदों में अंतर सार्व अंतर निकालें, और सभी पदों में यदि सार्व अंतर समान होगा तो हम कहेंगे यह समांतर श्रेणी है, और नहीं तो कहेंगे यह अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ से हम देखें कि पहला सार्व अंतर d निकालने का तरीका हमने सीखा है a2 माइनस a1। तो a2 का मान 5 बटे 2 माइनस a1 का मान 2, और 2 के बटे में 1 लिख लें। यहाँ से हम देखेंगे इसका लसब 2, 2 का 2 में एक बार, 1 का 5 से 5, माइनस 1 का 2 में दो बार, 2 का 2 से 4, तो 5 में से 4 गए 1 बटा 2, यानी कि इसका a2 माइनस a1 एक सार्व अंतर ही आ गया। इसी प्रकार यदि मैं a3 में से a2 घटाऊं, a3 माइनस a2, तो यहाँ हम देखेंगे कि a3 का मान 3 माइनस a2 का मान 5 बटे 2, तो 3 के बटे में 1 लिख लें। तो 1 और 2 का लसब 2, 1 का 2 में भाग 2 बार, 2 का 3 से गुणा 6, माइनस 2 का 2 में 1 बार, 1 का 5 से 5, तो 6 में से 5 गए 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो यहाँ पर भी देखिए इसके a2 माइनस a1 में सार्व अंतर 1 बटा 2, यहाँ 1 बटा 2। यदि तीसरा मैं और निकालूँ इसमें a4 माइनस a3, इन दोनों के बीच में अंतर निकालूँ तो भी मैं देखूँगा a4 चौथा मान 7 बटे, चौथा पद 7 बटे 2, a3 3 है तो इसके बटे में 1, तो 2 और 7 माइनस 1 का 2 में 2, 2 का 3 से 6, 1 बटा 2। यानी इसके दो क्रमागत पदों के अंदर सभी में सार्व अंतर d का मान सभी में समान है। एक निश्चित संख्या, पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है। 7 बटे 2 में 1 बटा 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 बटा 2 जोड़ेंगे 9 बटे 2, इसी प्रकार प्राप्त हो रहा है। तो हम कहेंगे यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। लेकिन इसी प्रकार हमें यहाँ अंडर रूट के अंदर दो श्रेणी संख्याओं की श्रेणी अनुक्रम दे रखे हैं, तो हम यहाँ हम देखें कि इस समांतर श्रेणी में भी यदि हम पहला ए वन पहला पद, दूसरा तीसरा, यानी कि ए टू माइनस ए वन निकालें, दूसरा पद अंडर रूट 6 माइनस पहला पद अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 6 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको मैं यूँ लिखूँ अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 दोनों में कॉमन ले लूँ तो पीछे बच जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1, यानी कि इसके दूसरे और पहले पद, यानी दो क्रमागत पदों में अंतर 1, ये आ गया अंडर रूट 3। अब मैं इसके लिए सार्व अंतर पीछे वाले पदों में से और निकालूँ, यदि ए 3 माइनस ए 2, तो मैं देखूँगा ए 3 का मान अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 6 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अंडर रूट 3 कॉमन ले लूँ तो पीछे बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 कोष्टक अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 माइनस 2, यानी कि ए 2 माइनस ए 1 का मान
a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, यानी इसके दो क्रमागत पदों में सार व अंतर जो है वो समान नहीं है, तो यह जो संख्याओं की अनुक्रम है यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार हम यदि एक और जो संख्याओं की सूची दे रखी है इसको हम देखें कि सार्व अंतर d a2 माइनस a1 निकाले पहले, तो a2 माइनस a1 का मान निकालें, a2 अंडर रूट 8 माइनस पहला a1 2, तो अंडर रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 2, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लें तो पीछे इधर बचेगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 2 में से 1 गया 1, 1 का अंडर रूट 2 से गुणा होगा अंडर रूट 2, यानी कि इसके दूसरे और पहले पद में जो अंतर है वो अंडर रूट 2। इसी प्रकार यदि मैं a3 माइनस a2 निकालूं तो a3 का मान अंडर रूट 18 माइनस a2 का मान अंडर रूट 8, तो 18 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 2 और 8 को लिख सकता हूं 4 गुणा 2, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही रहेगा। यहाँ से भी मैं पुनः अंडर रूट 2 यदि कॉमन लूँ तो पीछे बच जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, 1 का अंडर रूट 2 से गुणा होगा अंडर रूट 2, यानी कि इसके दो क्रमागत पदों में इस सूची इस संख्याओं की सीक्वेंस में हमें दो क्रमागत पदों में अंतर समान a2 माइनस a1 अंडर रूट 2, a3 माइनस a2 अंडर रूट 2। इसी प्रकार यदि मैं a4 माइनस a3 निकालूंगा तो भी उसका मान भी अंडर रूट 2 ही प्राप्त होगा, तो हम कह सकते हैं जैसे अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 16 गुणा 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 9 गुणा 2, 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2, 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 में से 3 गए 1 अंडर रूट दो। तो इस प्रकार इस संख्याओं की सूची के अंदर हमें सभी में सार्व अंतर सभी दो क्रमागत पदों में अंतर समान प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं यह एक समांतर श्रेणी है। और इस समांतर श्रेणी के हमें 4 पद दिए हुए हैं, यदि 5वां पद 6ठा पद 7वां पद इसके आगे के पद और भी ज्ञात करना हमें पूछे तो हम देखेंगे कि ये जो 4था पद है a4 के अंदर d जोड़ें, a4 4था पद जो है उसके अंदर d जोड़ेंगे तो हमें 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। तो चौथे पद में d जोड़ें तो जैसे 4था पद जो है हमारा अंडर रूट 32 और d का मान हमने ज्ञात कर लिया अंडर रूट 32 चौथा पद, इसके अंदर d जोड़ना है तो हम यहाँ से देखें कि अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2, तो 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2, 5 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 2 हो जाएगा अंडर रूट 50। तो यहाँ से हम देखें कि a5 को हम लिख सकते हैं a4 प्लस d, चौथे पद में d जोड़ेंगे तो 5वां पद आ गया, 5वां पद जो है अंडर रूट 50 इसके अंदर d जोड़ेंगे यानी अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 6ठा पद, 6ठे पद में d जोड़ेंगे तो 7वां, 7वें पद में d जोड़ेंगे तो 8वां पद हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें आगे जो भी पद समांतर श्रेणी में ज्ञात करने हैं तो हम ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दें यहाँ पर 5वें पद ज्ञात करने के लिए हमने 4थे पद में d जोड़ा, 5वां पद आया इसके अंदर d जोड़ेंगे तो 6ठा पद आएगा, 6ठे पद में d जोड़ें तो 7वां पद आएगा। इसी प्रकार मैं इस 5वें पद को अगर यूं ज्ञात करूं a5 बराबर होता है a प्लस 4d, तो भी हमारा उत्तर यही आएगा। हम दोनों में से किसी भी तरह ज्ञात कर सकते हैं कि a हमारा पहला पद अंडर रूट 2 प्लस 4 और d का मान अंडर रूट 2 ही है, तो 2 अंडर रूट 2 और 4 अंडर रूट 2 हो जाएंगे 5 अंडर रूट 2 और इसको मैं लिखूंगा अंदर तो 25 गुणा 2 यानी कि अंडर रूट 50। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी का पहला पद सार्व अंतर, पहला पद और सार्व अंतर दिया हुआ हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद 5 पद जो भी ज्ञात करना पूछे ज्ञात कर सकते हैं। कोई श्रेणी संख्याओं की जो सीक्वेंस हमें
दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम सार्व अंतर निकाल के उनके दो क्रमागत पदों में अंतर निकाल के बता सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं, और उसके आगे के पद ज्ञात करने हो तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है हमारे, ये हमारे जो प्रश्न हैं छोटे प्रश्न एक नंबर का प्रश्न इस तरह का, और ये बेसिक जो चीज़ें हैं समांतर श्रेणी से ही हमें ध्यान होनी चाहिए, और इन्हीं के उपयोग से हम कल इस पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।